दुबई की 2023 में मुस्लिम आबादी कितनी है? दोस्तों, दुबई दुनिया का सबसे अमीर शहरों में से एक है, जो संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। यह एक द्वीप है जो पर्शियन खाड़ी के किनारे स्थित है। दुबई का लगभग क्षेत्रफल 4,114 वर्ग किलोमीटर इतना है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत बुर्ज खलीफा के लिए जाना जाता है। यहाँ अरबी और हिंदी जैसी कई भाषाएं बोली जाती है। दोस्तों, दुबई अपने बाजारों, खरीदारी केंद्रों, मंदिरों, मस्जिदों, फाउंटेन और बीचों के लिए जाना जाता है। दुबई दुनिया भर में लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। दुबई का बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है, जिसमें 163 मंजिलें और इसकी ऊंचाई 828 मीटर है। दुबई में दुनिया की सबसे विशाल इंडोर स्की पार्क है, जो सफारी मॉल में स्थित है। दुबई में विश्व का सबसे महंगा होटल भी है, जिसका नाम बुर्ज अल अरब है। दुबई में हर साल दुनिया के सबसे महंगे और आलीशान फॉल्टीला दिवाली के अवसर पर निकाला जाता है, जिसे दुबई वाटर शो कहा जाता है। सन 1960 से पहले दुबई में सिर्फ रेत ही रेत थी, वहां देखने लायक कुछ भी नहीं था। लेकिन 1966 में तेल की खोज के बाद दुबई अमीर बनता चला गया और 1990 के बाद कई बिजनेस कम्युनिटी ने अपना बिजनेस दुबई में शिफ्ट कर लिया। 34 लाख आबादी वाले इस शहर में दुबई के मूल निवासियों की संख्या केवल 17% है। बाकी की जनसंख्या यहाँ भारत, पाकिस्तान, नेपाल, फिलीपींस जैसे देशों से है। दुबई एक ऐसा शहर है जहाँ फालतू जानवर के तौर पर लोग कुत्ता बिल्ली नहीं बल्कि शेर लेपर्ड पालना ज्यादा पसंद करते हैं। दुबई में सोने का व्यापार बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि दुबई के लोग सोने के बहुत ही अधिक शौकीन होते हैं। इसीलिए इस शहर में कुछ ऐसे एटीएम भी है जो सोने के सिक्के निकालते हैं। दुबई की पुलिस दुनिया की सबसे महंगी पुलिस है। यहाँ की पुलिस के पास फरारी, लंबरगिनी जैसी महंगी कारें मौजूद है। दुबई में क्राइम रेट 0% है, इसीलिए दुबई को दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। दुबई में बुर्ज अल अरब होटल दुनिया का इकलौता 7-स्टार होटल है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा होटल भी है। दुबई में दुबई मेडिकल गार्डन है, जो दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बागीचा है। दुनिया भर में दुबई एकमात्र ऐसा शहर है जहां के लोगों को इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता। दुबई में कोल्ड ड्रिंक से महंगा पानी बिकता है। दुबई का इकोनॉमिक तेल का रिवेन्यू 5% है। दुबई की आधिकारिक अर्थव्यवस्था रियल एस्टेट और टूरिज्म से चलती है। दुबई दुनिया की पहली क्लाइमेट कंट्रोल सिटी का निर्माण करने जा रहा है, जो कि 48 मिलियन स्क्वायर फीट के क्षेत्र को कवर करेगा, जिसमें सभी चीजों की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। दुबई गर्म देश में से एक है। यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसीलिए यहाँ की गर्मी से बचने के लिए लोग अपने इमारतों में एक अलग तरह की एयर कंडीशन लगाते हैं। दुबई के लोग अमीर इसीलिए होते हैं क्योंकि दुनिया का 50% से ज्यादा सोना वहीं पाया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको दुबई के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया है। अब आइए जानते हैं दुबई के 2023 के मुस्लिम आबादी के बारे में। दोस्तों, दुबई के मुस्लिम आबादी के बारे में जानने से पहले हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ वेबसाइट के अनुसार दुबई की 2023 की वर्तमान जनसंख्या 35,70,000 इतनी है। बात करें दुबई की 2023 की हिंदू आबादी की, तो दुबई में हिंदू आबादी 3,02,750 इतनी है, जो दुबई की कुल आबादी का 8.65% आता है। वहीं अगर हम बात करें दुबई की 2023 की मुस्लिम आबादी की, तो दुबई में लगभग मुस्लिम आबादी 30,22,250 इतनी है, जो दुबई की कुल आबादी का 86.45% आता है। जबकि बात करें दुबई की अन्य धर्म की जनसंख्या की, तो दुबई में 2023 की अन्य धर्म की जनसंख्या 1,75,000 इतनी है, जो दुबई की कुल आबादी का 5% आता है। तो दोस्तों, ये थी दुबई की 2023 के मुस्लिम आबादी की इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आपको दुबई के अलावा किसी अन्य देश या किसी अन्य शहर की मुस्लिम आबादी या जनसंख्या के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारी ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।